सो हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को तो पता चल गया होगा। तो सो यस गाइज, आज का वीडियो M1014 का टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर होने वाला है। सो M1014 एक ऐसा ओवर पावर गन है जिसको अगर कोई अच्छी तरीके से चलाना जानता है तब उसको आसान भाषा में शॉर्ट रेंज का किंग कहा जाता है। सो आप लोग ज्यादातर देखना, बड़े बड़े जो लेजेंड प्लेयर होते हैं जैसे YTFF, पागल M10, वो लोग ज्यादातर M10 ही चलाते हैं, क्योंकि M10 ऐसा ओवर पावर गन है जिसको अगर आप लोग अच्छी तरीके से चलाना जानते हो तो आप लोगों का हर एक शॉट वन शॉट ही लगेगा या हेड शॉट ही लगेगा। और हमारा दो मुंडा या दो नली जो शॉट गन है उसमें दो ही एमओ रहता है और इसमें 6 एमओ या 7 एमओ रहता है। तो इसमें आप लोगों को रिलोड नहीं करना पड़ेगा, इजिली आप लोग एक स्कॉट को भी मार सकते हो। तो अब बात है, आप लोग M1014 को गॉड लेवल की तरह कैसे चलाओगे? तो कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा अभी इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, प्लीज एंड तक देखना, तो आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। सो M1014 का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है जो आप लोग भी फेस करते हो, सो ऐसे बॉडी में एम चिपक जाना, जैसे आसान भाषा में इसको एम स्ट्रक बोलते हैं। और बहुत सारे लोगों का तो बॉडी पे ही एम कनेक्ट नहीं होता है, गोली रिकॉइल कर देता है। सो इन्हीं प्रॉब्लम्स के वजह से बहुत सारे बंदे M1014 को यूज ही नहीं करते, ऐसे ओवर पावर गन को। सो इन प्रॉब्लम को फिक्स करना बहुत ही आसान होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को एनिमी के पैरों के नीचे एम को रखना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को ऊपर सीधा ड्रैग कर देना होता है। तो वही पे अगर आप लोगों का एम एनिमी से लेफ्ट या राइट साइड पे है तो भी चलेगा। उसके बाद आप लोगों को जिस साइड पे एनिमी है उस साइड से रोटेट करके ऊपर ड्रैग कर देना होता है, या फिर आप लोग और एक टेक्निक का यूज कर सकते हो, वो थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। सो अगर आप लोगों का एम एनिमी के बॉडी के ऊपर है तो अब आप लोगों को ड्रैग कैसे करना है? आप लोगों के फायर बटन को नीचे की ओर ड्रैग करने के बाद तुरंत ऊपर ड्रैग कर देना होता है। सो आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे।